नमस्कार, मैं हूँ गीता अंजलि। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर थाने पर टीम शक्ति अन्याय निवारण ट्रस्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मोदीनगर थाने पर किया प्रदर्शन और SHO मोदीनगर योगेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दीपा त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद। आज ये थाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है कि पीड़ित महिला कहाँ गई? ये पीड़ित पक्ष है, सोनला रोड पे रहते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नंदगोपाल त्यागी है। आप बोलिए, पहले आप बोलो। मेरा नाम प्रेमलता त्यागी है। इनका नाम प्रेमलता त्यागी है। इनके लड़कों का आपस में पड़ोस के लड़कों से ही कुछ विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो है वो पड़ोस के लड़के जो थे इनके घर में घुस के और इन दोनों बुजुर्गों के साथ में मार पिटाई करी। इन महिला का ये हाथ भी और ये उंगली सारी टूट गई, सर में इतने टांके आए थे। उसके बाद में 307 धारा सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था मोदीनगर थाने के अंदर। और ये सारा CO मोदीनगर के संज्ञान में भी सारा मामला है, क्योंकि थाना दिवस में जो है ये पीड़ित पक्ष CO मोदीनगर को भी देख के आए थे। उसके बावजूद भी CO मोदीनगर साहब ने अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश नहीं किए। क्यों नहीं किए? लेकिन जो थाना अध्यक्ष अभी नए आए हैं यहाँ पर मोदीनगर में, क्या नाम है उनका? योगेंद्र कुमार जी, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो अभी आए हैं। उन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे। लेकिन जो IO हैं, जो इस केस की जांच कर रहे थे, विजय कुमार यादव जी जो हैं, उसके बाद में 2.25 महीने हो गए हैं और आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लापरवाही क्यों की गई है? इस लापरवाही का IO जी को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि ये लापरवाही क्यों चल रही है। CO मोदीनगर साहब ने IO को क्यों नहीं सत्तादेश दिए? लेकिन हमें थाना अध्यक्ष जी पे पूर्ण विश्वास है कि आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र होगी। आपसे भी कोई शिकायत नहीं है सर, आप अभी आए हैं, सब बात है। लेकिन जो औरों की नॉलेज का मामला था और जो 2.25 महीने तक पहुंचा दिया, रिपोर्ट चोरी के लिए गए, हम आपके पास आए, मेरी बात सुन रहे? एक मिनट मेरी बात सुनो सर। 9 तारीख को यहाँ रिपोर्ट लिखवाया गए मेरे खिलाफ चोरी की थी, हमारे कैमरे तार लिए। IO जी हमारे यहाँ मौजूद थे, हम थाने में आए, मान ली हमारे लड़के का वो साइड मार के गया। IO जी क्या कहें, गाड़ी उठा नहीं सके यहाँ मोदीनगर में, उसे पकड़ नहीं सके यहाँ मोदीनगर में ही, जब IO जी हमारे यहाँ मौजूद है। गाजियाबाद के पोस्ट ऑफिस विभाग में पारू राणा ने जन उपयोगी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में और उच्च गुणवत्ता और बेहतर काम करने के लिए गाजियाबाद के पोस्टल विभाग के SSP राधेश्याम शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। गाजियाबाद के मोदीनगर में न्यू फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर न्यू फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर एवं रक्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोदीनगर चेयरमैन अशोक महेश्वरी, अमित गोयल, राहुल शर्मा, अजय चौधरी आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। न्यू फोटोग्राफी एसोसिएशन के तत्वावधान में आज भाई सुभाष चौधरी जी के नेतृत्व में शिवम होटल राजचौकले पे एक ब्लड टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया है। इस ब्लड टेस्ट कैंप में अनेक तरीके की जाँचें, जिसकी बाजार में लगभग कॉस्टिंग 1,000-1,200 रुपये के आसपास होती है, लेकिन संस्था के माध्यम से सुभाष चौधरी जी के प्रयासों से यह आज की जो शुल्क रखा गया है केवल वो 150 रुपये रखा गया। हमारे बीच में ब्लड टेस्ट कैंप के साथ ही फोटोग्राफी एसोसिएशन ने हमारे 2 डॉक्टर साहब को भी यहाँ पर बुलाया हुआ है। आप साक्षी गर्जी हैं, स्किन की डॉक्टर हैं, और हमारी पुलकित त्यागी जी हैं।
स्त्री विशेषज्ञ, ये दोनों ही डॉक्टर मोदीनगर में सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं और आपके इतने अच्छे भाव रहते हैं गरीब लोगों के लिए, निसहाय लोगों के लिए, आप संगठन के माध्यम से इतनी सेवा शहर में दे रहे हैं कि मैं आपको संस्था की तरफ से बधाई देता हूँ। और मैं न्यू फोटोग्राफी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मैं मोदीनगर की जनता की ओर से कि आप इतना शानदार कार्य निरंतर आप करते जा रहे हैं। खाली आप अपनी एसोसिएशन के बारे में नहीं सोच रहे, उसके साथ साथ आप मोदीनगर की जनता के बारे में सोच रहे हैं, सभी समाज के बारे में सोच रहे हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार। आज के निःशुल्क चिकित्सा शिविर को सफल बनाने में सभी फोटोग्राफर भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी ने रक्त जांच भी कराई, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थी, लेडीजों का भी बहुत योगदान रहा और चरम रोग वाली डॉक्टर उनका भी बहुत योगदान रहा और सभी भाइयों ने आज का जो प्रोग्राम सफल बनाया है उसके लिए सभी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में भी हमारी न्यू फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे ही कार्य करती रहेगी, सामाजिक कार्य भी करती रहेगी और फोटोग्राफर हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगी फोटोग्राफर भाइयों के साथ में। धन्यवाद सभी का मैं फिर से एक बार अपने दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।